गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अभी पढ़ाई लॉकडाउन चल रहा है, इसके चलते थोड़ा पढ़ाई प्रॉब्लम हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ वीडियो बनाकर भेज दें ताकि कुछ हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़े। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। सभी बैच का डिफरेंशिएशन चलेगा। डिफरेंशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन इसका हिंदी होता है अवकलन। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। इसको सीखने के लिए कुछ फार्मूला है, उसको हम बताएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन या फार्मूला का सेट भी चला जाएगा। सबसे पहले फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, एक्स टू दी पावर एन का। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखते हैं डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। क्या है ध्यान से देखेंगे हम लोग, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में एक घटा देना है। एक एग्जांपल देख लें, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर फाइव। अब क्या होगा, इस आधार पर चलेंगे तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव गुने एक्स, और पावर में एक घटेगा तो हो जाएगा फाइव माइनस वन, मतलब फाइव इंटू एक्स टू दी पावर। समझ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लो, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एट। इसी तरह से तो क्या होगा, तो एट इंटू एक्स टू दी पावर आठ में घटेगा सात, हो गया। इस तरह से एक्स का जितना भी पावर हम लोग दे दें सबको डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का देखो क्या होगा, एक्स का पावर वन है तो उस आधार पर वन चलेंगे, पावर गुना होगा, वन है तो वन गुना होगा। आप पावर वन है, एक्स का मतलब वन पावर है, तो वन में वन घटेगा तो यह वन गुणे एक्स टू दी पावर जीरो। इसका मतलब वन, तो वन गुणे वन बराबर वन, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर हो गया वन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। इसको भी हम याद रखेंगे कि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। अब किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, सो अब देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स टू दी पावर फोर प्लस नाइन, मान लो एक क्वेश्चन है। तब कहेगा यदि वाई बराबर इतना तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आठ। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखो वाई दिया हुआ है, तो बनाने का तरीका होगा पहले लिखेंगे, चूंकि वाई बराबर एक्स टू दी पावर सिक्स थ्री एक्स फोर प्लस नाइन। अब वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इसका क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो सिक्स इंटू एक्स टू दी पावर,
पावर में घटेगा तो कितना हो गया 5 प्लस 3 गुणी, देखो पावर यहाँ गुना हो जाएगा 4 और एक्स पावर में घटेगा कितना हो जाएगा 3। और एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट जहाँ एक्स नहीं रहता वो कांस्टेंट कहलाता है। और ऐसे क्लास में बताया थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो गया 0। तो हो गया 6 एक्स टू दी पावर 5 प्लस 4 × 12 एक्स क्यूब आंसर। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरह का हम, जैसे यदि 22 का टू एक्स पर पावर 7 है प्लस 1/2 एक्स टू दी पावर 4 है माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है प्लस 8। अब इसको देखो, यहाँ तो ठीक लेकिन यहाँ पर बटा है, तो इसको बटा में नहीं होना चाहिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, स्वाभाविक में ऊपर ले जाएंगे पावर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में पावर हो जाएगा माइनस। इसको पहले सजा लेंगे, एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 4 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 8। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब बाई का क्या होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब इसका बोलो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 7 का 7 एक्स हटेगा 6। अब यहाँ देखो ये पावर आपको मल्टीप्लाई होगा, एक प्लस यहाँ है 4 एक्स। अब देखो यहाँ घटेगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर माइनस 2, यहाँ भी पावर में एक घटेगा प्लस 8, कॉन्स्टेंट है इसका 0। अब यहाँ से कितना देखोगे, 7 एक्स टू दी पावर 6 माइनस 4 एक्स टू दी पावर कितना माइनस 5, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3। अब इसको हम चाहेंगे तो देख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 6 माइनस 4 एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2 एक्स। इस तरह से हो गया हम लोग आंसर, इस तरह की बात हम लोग समझ गए। डिफरेंशिएशन ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में एक और देख लेंगे हम लोग रूट का, रूट में रहेगा तो देखिए। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं कि इस पर बहुत सारा हिसाब रहता है, डिफरेंशिएशन बहुत अधिक एग्जामिनेशन भी रहता है, अब बहुत ज़्यादा हिसाब रहता है। रूट का मतलब समझ रहे हो, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे, अगर पावर में एक घट जाएगा तो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ को नीचे देके चल जाएंगे तो प्लस हाफ, इसको कहेंगे 1/2, हाफ का मतलब रूट होता है एक्स। अब यहाँ से देखो जरा से क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/2 रूट एक्स। तो एग्जामिनेशन में यह जब भी बनाएंगे हम लोग तो इतना करने नहीं जाएंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, इसको फॉर्मूला के रूप में मान लेंगे, अलग से लिख देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारा हिसाब बनता है, 1/2 रूट एक्स, इसको एकदम ऐड कर लेना है सब बच्चा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स।
युवा। अब इसी तरह से आगे फिर बता रहे हैं डिफरेंशिएशन में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय फंक्शन का डिफरेंशिएशन। त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है? साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक छोटू है। छोटू का फॉर्मूला ऐसे क्लास में बताया गया था बहुत से क्लास में, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, याद भी करा दिया गया था तो लिख लेना कोसेक्स। जो जो स्टूडेंट नहीं उसमें पढ़ा होगा याद कर लेना, ऐसे फॉर्मूला का लिस्ट हम भेज रहे हैं सबको, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो छह त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है, छोगो का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, इसे सभी बैच में याद करने कराने का तरीका बता दिया गया था। उसमें बताया गया था कि जो सी से शुरू होता है उसका होता है माइनस, सी से कॉस सी से कॉट सी से कोसेक्स, सी वाला शब्द क्या होता है माइनस। सवाल है प्लस इसने बताए थे कि साइन का कॉस दो दो करके याद कर लेना, ये दोनों को साथे करके याद कर लेना याद हो जाएगा, ये दोनों का ग्रुप बना देना है, ये दोनों का देखो स्क्वायर में होता है, और जानते हैं टेन के साथ सेक का रिलेशन चलता है, यहाँ भी देखिए टेन के सेक के साथ टेन का रिलेशन है, ये दोनों का पावर चलता है, और यहाँ देखो सेक में क्या दो ठो गुना होता है, याद रखेंगे हम। इस तरह से हम लोग याद कर रहे हैं, आप करना पड़ेगा सबको। अब इस पर कुछ एग्जांपल दे देते हैं, देखो एग्जांपल जैसे बाई बराबर, यदि बाईस का टू यहां है साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब देखो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर जो कि अलजेब्रा वाला हो गया, इसमें पावर गुना होगा हो जाएगा टू एक्स, टू में बन जाएगा कॉन्स्टेंट है इसका जीरो, हो गया कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स, आंसर आ गया। एक एग्जांपल और दे देते हैं, यदि बाई बराबर बाई बराबर यहाँ मान लेते हैं सेक एक्स है प्लस रूट एक्स प्लस यहाँ मान लेते हैं पन बटा एक्स टू दी पावर थ्री। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसका दो टू गुना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, आ जाता है सेक के साथ टेन चलता है। अब रूट एक्स का बताए थे वन बाई टू रूट एक्स, अब यहाँ जा सकते हैं एक्स पर पावर कितना है माइनस थ्री, क्या माइनस थ्री, तो माइनस थ्री है अलग से देख लेंगे एक्स पर पावर माइनस थ्री, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम लोग इसको माइनस थ्री का तो क्या हो जाएगा पावर गुना हो जाएगा और एक घटेगा तो माइनस चार, इसको कह सकते हम लोग माइनस थ्री गुने एक्स पर पावर माइनस फोर हो जाएगा
secs into 10x plus 1 by 2 root x 3 by x to the power 4 answer. इस तरह से है सारे हिसाब बन जाएगा. इसमें जनरली जो डिफरेंशिएशन में होता है या डिफरेंशिएशन का बेसिक प्राइमरी चीज होता है यह. अब इसमें दो बात होता है, जितना भी था सब में अब तो जोड़ था या घटाव था, फिर मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडर, ये दोनों जो होता है उसको अगला वीडियो बना देंगे. पहला क्लास है, थोड़ा सा दे रहे हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन साथ में चला जाएगा, उतना को बना लेना है, जितना क्वेश्चन देंगे उतना बना लेना है, तो अगला वीडियो बना.